हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, मोदी जी में कहाँ दम था। मेरे देश के जितने भी गरीब है, हमारे देश की कश्ती जहां थी डूबी, वहां हमारे फिरका परस मौलाना का इलम कम था। जय भोलेनाथ की चिंता नहीं कौनो बात की। हमारे देश के अंदर आज 9वीं मुहर्रम है और पाकिस्तानी जितने भी मिर्जा इंजीनियर के कुत्ते हैं। इफ योर मिर्जा इंजीनियर इज बैड, देन आई एम हिज डैड, यू नो दैट। आई एम हिंदुस्तानी राकेश एक्स। मेरी दाढ़ी और टोपी देख के मुझे मौलाना नहीं समझना, मैं हूं धोबी समाज का शेर, वन एंड ओनली राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। आज 9 मुहर्रम है और आज कुछ लोगों ने हमसे सवाल पूछा। एक पहला सवाल, भाई मैं रोजा रखना चाहता हूं 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम को, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूं, क्या मैं रोजा रख सकता हूं। ये पहला सवाल, ये आया है सुन्नी जमात के बरेलवी जमात से, फिरका फिरका फिरका। लेकिन सारे मियां भाई आपस में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सारे मियां भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं मुसलमान बनने की, एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, समझ में आया। मैं मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहा हूं, एक्टिंग नहीं कर रहा हूं। और इस्लाम में एक्टिंग हराम है, रियाकारी, शो ऑफ, एक्टिंग नहीं करने का, कोशिश करने का। तो हम कह रहे हैं, आज जिसने रोजा रखा है और नमाज नहीं पढ़ी है, उसका रोजा अल्लाह के यहाँ पे कबूल नहीं होगा। जी हाँ, जो सिर्फ आधी सुन्नत को पकड़ेगा और आधी सुन्नतों को छोड़ देगा, उसका रोजा कबूल नहीं करेगा। ठीक है, रोजा रखे हो तो नमाज भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज का दौर बहुत खतरनाक है, याजूज माजूज खुल चुके हैं, तो यहां पर नमाज पढ़ने की सहूलियत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तानी मिर्जा इंजीनियर, आई एम टॉकिंग टू यू एंड योर एसहोल्स, आई एम चैलेंजिंग यू। आज नमाज पढ़ने से पहले अकीदा, ये बहुत जरूरी है। इस अकीदे के ऊपर हम बात करने के लिए आए हैं पाकिस्तानी मिर्जा इंजीनियर। भैया हमने सही जवाब दिया ना, मिर्जा इंजीनियर। अब दूसरा सवाल सुन, आज एक एले हदीस जमात का बच्चा आया जो नमाज भी पढ़ता है और रोजे भी रखता है। उसने हमसे पूछा, अली भाई मेरा ये अमल कबूल होगा कि नहीं होगा। मैंने इसको भी कहा नहीं होगा। ओ मिर्जा इंजीनियर एले खबीस, मैं एले हदीस जमात का चौकीदार हूं, लेकिन धोबी का शेर हूं, ना घर का हूं ना घाट का हूं। जो नमाज पढ़ रहे हैं रोजा भी रख रहे हैं, उनका भी ये रोजा कबूल नहीं होगा। जो सिर्फ रोजा रख रहे हैं नमाज नहीं पढ़ रहे, उनका तो कबूल नहीं होता है। लेकिन जो रोजा रख रहे हैं नमाज भी बाकायदा मौलाना के पीछे पढ़ रहे हैं, उनका भी रोजा कबूल नहीं होगा। एले हदीजो, अभी थोड़ा कान खड़े कर लो। इस्लाम में जब तक तुम मुकम्मल कुरान को ना मान लो, उनकी अंदर जो हर एक आयत को ना मान लो, तब तक तुम कितनी भी सुन्नतों पर अमल कर लो, कितने भी रोजे रख लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, जब तक कुरान को मुकम्मल तरीके से तुम्हारा ईमान ना आ जाए, पूरा का पूरा उसको कुरान को ना मान लो, तब तक तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह कबूल नहीं करने वाला। ठीक है, तो जो आज रोजा रख रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनके मौलाना कुरान की आयतों का इनकार कर रहे हैं। तो इमाम की नमाज, मुक्तदी की नमाज, जब इमाम कुरान की आयतों का इनकार कर रहे हैं, तो तुम्हारा रोजा और नमाज अल्लाह कैसे कबूल करेगा, राइट।
बात करने का है तो सलीके से करो, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। यजीद का फॉलोअर हमको ना कहो, हमने हमारे धोबी समाज को छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए पूरी दुनिया से पंगा लिया है, समझ में आया? और आज हमारा नाम अली है, तो जो अली के दीवाने हैं, प्लीज मैं भी अली का दीवाना हूं। लेकिन अली बाद में, अल्लाह पहले, अल्लाह पहले, अली बाद में। और हम सब मिलके यही कहना चाहते हैं, ओ फिरका परस मौलाना, कुरान की आयत सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96 में जब अल्लाह कह रहा है याजूज माजूज खुल गए हैं, और वो अंबिया के करिया में घुस के यहूदियों को बसाकर फिलिस्तीनी मुसलमानों को खत्म कर चुके हैं, तो भी तुम कहते हो अभी याजूज माजूज नहीं खुला है, वो बाद में खुलेंगे। तो उनके लिए हदीस देता हूं, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएगी तो जन्नत में जाने से पहले अल्लाह से परमिशन लेगी, अल्लाह मेरे बेटों का क्या होगा, मेरी औलादों का क्या होगा, ये जो मर्द और औरत ये मेरे बच्चे हैं उनका क्या होगा। अल्लाह कहता है हर 1000 में से एक को जन्नत में लेके जाओ, 999 को जहन्नम में डाल दो। ये 999 अभी खुल चुके हैं जो अपने हिसाब से इस्लाम को फॉलो करते हैं, अल्लाह रसूल के हिसाब से कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आज इस्लाम नाम रह गया है लेकिन इस्लाम पर चलने वाले लोग नहीं है, क्यों? पहली बात उनके पास नॉलेज नहीं है, दूसरा नॉलेज नहीं है तो फिर पता कैसे चलेगा करना क्या है। तो ये मिर्जा इंजीनियर के जितने भी फॉलोअर्स है, पाकिस्तानी मिर्जा इंजीनियर, आई एम हिंदुस्तानी राकेश एक्स मोहम्मद अली, आई एम ट्राइंग टू बी मुस्लिम, आई एम नॉट एक्टिंग टू बी मुस्लिम, अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट द रियल डिफरेंस इज बिटवीन यू पीपल एंड वी पीपल। वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हमारा नॉलेज देखो, मैं धोबी हूं और अपने धर्म को छोड़ के इस्लाम कबूल किया हूं, मुस्लिम हूं, तालिबे इल्म हूं, मौलाना नहीं हूं। लेकिन एहले हदीस जमात के मौलाना लोग कुरान की आयतों का इनकार कर रहे हैं, फिर भी हमने एहले हदीस जमात की चौकीदारी करना बंद नहीं किया मिर्जा इंजीनियर, क्यों? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरको फिरको में ना बटो। तो ये सुन्नतों की हिफाजत करने वाली जो जमात है ना, वो एहले हदीस जमात है। मिर्जा इंजीनियर, तुमसे पहले तुम्हारी कोई जमात नहीं थी, अल्लाह उसके रसूल की जमात, एहले हदीस जमात। तुम भी रोजा रख के अगर कुरान की आयतों का इनकार करते हो, नमाजें पढ़ते हो, नहीं कबूल होएगा। एहले हदीस के बच्चों, कुरान को पहले मुकम्मल समझो, उसके बाद में सुन्नत पर अमल करो, तो अल्लाह ताला तुमको उसका अजर देगा, यहां पे भी और आखिरत में भी, ठीक है? जो रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो देखो कि तुम्हारे मौलाना सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 का इनकार तो नहीं कर रहे। जो याजूज माजूज खुल चुके हैं वो कह रहे सो रहे हैं और कह रहे बाद में खुलेंगे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। 1400 साल पहले जो सुराग हो गया था ना दिनार बरोबर का, वो जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार, वो अल्लाह के हुक्म से गिर चुकी है। जिसका जिक्र कुरान की आयतों में है, सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96, उस कुरान की आयत का इनकार जो करेगा, आज जो भी नमाज पढ़े रोजा रखे, उनको कोई अजर नहीं मिलेगा। जब तक तुम कुरान को मुकम्मल अपने अंदर समा ना लो, सुन्नतों पर अमल करने का कुछ नहीं मिलेगा। पहले कुरान, बाद में सुन्नत। कुरान और सुन्नत जिंदाबाद। जो कुरान कुरान करता है मुर्दाबाद, जो सिर्फ सुन्नत सुन्नत कर रहा है वो भी मुर्दाबाद। कुरान और सुन्नत जिंदाबाद, अल्लाह रसूल जिंदाबाद, ठीक है? मिर्जा इंजीनियर, आई एम योर डैड एंड आई एम वेरी बैड, अंडरस्टूड? इंडियन हिंदुस्तानी राकेश एक्स, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की।